आदमपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में मची कलह से हाईकमान नाराज हो गया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस हाईकमान से इसको लेकर नेताओं की तगड़ी फटकार लगी है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की भी बोल और तेवर बदल गए। कल तक विधायक किरण चौधरी की हैसियत पूछने वाले उदय भान ने भी अब उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने की सफाई दी। उदय भान का कहना है कि उन्होंने किरण चौधरी के सियासी कद को लेकर हैसियत की बात कही नहीं थी, बल्कि उनका कहना था कि किस कैपेसिटी से उन्हें बुलाते। वहीं इस विवाद पर खुलकर बोल रही किरण चौधरी ने भी अब पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। किरण चौधरी से विवाद को अब उदय भान ने पार्टी का अंदरूनी मामला बता दिया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि किरण चौधरी हमारी सीनियर लीडर है, हम उनका सम्मान करते हैं। अब विवाद या गुटबाजी की बातें खत्म हो चुकी हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो हम आपस में बैठकर ही सुलझा लेंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में कई बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किरण चौधरी क्या कह रही हैं, मैं क्या कह रहा हूं, वो सारी बात साफ हो चुकी है, अब हमारे बीच कोई मैटर नहीं है। किसी को अगर कोई मतभेद है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करें, मीडिया में ना रखें। पार्टी में नेताओं के बीच में मतभेद हो सकते हैं, सबको अपनी बात कहने का हक भी है। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेताओं ने हरियाणा के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को लेकर फटकार लगाई है। उदय भान को इस मामले में दिल्ली भी तलब किया गया, जिसमें उनके सीनियर नेताओं के प्रति बोल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं किरण चौधरी को भी सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी से मना किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि केंद्रीय कांग्रेस की ये पहल हरियाणा कांग्रेस के विवादों को कितना कम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।